स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो मेरे पास एक अकाई का टीवी आया है, 14 इंच का टीवी है। इसका प्रॉब्लम पावर देने से पावर नहीं ऑन हो रहा है और इसका इंडिकेटर भी ऑन नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका इंडिकेटर भी ऑन नहीं है। मतलब मेरा जो प्रॉब्लम होना चाहिए इसका पावर सेक्शन पे इसका प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो चेक करते हैं इसका क्या क्या प्रॉब्लम निकलता है। दोस्तों मैंने इसका पीसीबी को निकाल लिया है। ये अकाई का ओरिजिनल पीसीबी और ये पिक्चर ट्यूब बेस। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम है जो इंडिकेटर लाइट जो हमारा होता है इंडिकेटर लाइट, वो हमारा इंडिकेटर नहीं ऑन हो रहा है। मतलब इसका जो 5 वोल्ट बनना चाहिए था वो हमारा 5 वोल्ट नहीं बनने के कारण ये इंडिकेटर नहीं ऑन हो रहा है। और जो हमारा पावर सेक्शन का जो 110 वोल्ट का जो मेन पावर सप्लाई है वो भी नहीं ऑन बन रहा है। मतलब इसका जो इनपुट पे जो पावर कैपेसिटर है जो फिल्टर है उसका पावर स्टॉक हो जाता है और हमारा सिस्टम का आउट हो नहीं होने से इसका पावर स्टॉक में ही रह जाता है। और हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर भी हमारा शॉर्टेज नहीं है। इसका जो अदर साइड जो सिस्टम होता है जो हमारा फोटोकपलर होके जो हमारा सिस्टम को फ्लिप देता है जो हमारा कितना वोल्टेज बनना चाहिए वो सिस्टम हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए हमारा सिस्टम को जो सप्लाई आउट होना चाहिए वो हमारा आउट नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चेक करेंगे जो कहाँ प्रॉब्लम है। और ये जो ट्रांजिस्टर हमारा इनपुट जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्टेज होता तो हमारा जो आउटपुट लाइन वो शॉर्ट हो जाता और मैं जब एसी कॉल लगाता हूँ तो हमारा फ्यूज होना चाहिए था। इसीलिए दोस्तों ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। और जो दूसरा ट्रांजिस्टर होना चाहिए यहाँ पे जो हमारा सिस्टम को काम कर रहता है वो बड़ा ट्रांजिस्टर को काम कर रहता है वो ट्रांजिस्टर और जिना डाइट को लोगों को चेक करेंगे हम लोग और देखेंगे आउटपुट पे कोई शॉर्टेज नहीं तो इसीलिए हमारा पावर नहीं बन रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ से जो 110 वोल्ट आउट होता है हमारा वो यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूँ जो ESD को सप्लाई देता है। और ESD का जो आउटपुट वो ESD शॉर्ट होता तो हमारा ये वाला जो 110 वोल्ट वो शॉर्टेज होकर बैठ जाता, इसीलिए हमारा आउटपुट भी वोल्टेज नहीं बनता। इसीलिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज को ओपन कर लिया हूँ, पिन को ओपन कर लिया हूँ और ये वाला डायोड को लोगों को चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो ट्रांजिस्टर होता है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है जो हमारा फोटोकपलर को सप्लाई देता है ये जो वाला ट्रांजिस्टर और पीसेट जो होता है हमारा यहाँ पे जो पावर कंट्रोल करने के लिए वो वाला ट्रांजिस्टर को भी चेक करना पड़ेगा और फोटोकपलर को चेक करेंगे और फोटोकपलर को जो सप्लाई देता है ये वाला ट्रांजिस्टर को भी चेक करेंगे। ठीक है, एक और एक चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों मैंने ये वाला तो पॉइंट को ओपन कर लिया था। इसके बाद ये वाला जो हमारा फोटोकपलर से सप्लाई होता है ये वाला जो ट्रांजिस्टर को से सप्लाई होता है वो ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन करके इसका सिस्टम को माप लिया है और हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमारा सही है। और ये वाला फोटोकपलर को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों मैंने ये फोटोकपलर को भी ओपन करके मैंने माप लिया है मीटर पे और ये वाला जो फोटोकपलर से सप्लाई होता है इस हॉट सेक्शन पे जो हमारा पावर सेक्शन का हॉट सेक्शन है वो वाला ट्रांजिस्टर को मैंने चेक किया तो ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट दिखा रही है। इसके बदले में मैंने यहाँ वाला ट्रांजिस्टर लगा के पावर चेक करूँगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। दोस्तों मेरा जो ये वाला ट्रांजिस्टर था इसका नंबर है हमारा ये 1015 का ये ट्रांजिस्टर था, वो हॉट सेक्शन का वो फोटोकपलर का सिस्टम पे काम करता है। और जो मैं ये वाला लगाऊंगा मेरा ये 1015 का ये वाला ट्रांजिस्टर लगा के हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे।
दोस्तों मैंने ये वाला ट्रांजिस्टर ओपन करके नया वाला ट्रांजिस्टर लगा लिया हूँ और हम लोग पावर दे के पिक्चर चेक करेंगे। और हमारा पावर जो इंडिकेटर ऑफ ऑन नहीं हो रहा था वो लाइट भी ऑन चेक करेंगे। ठीक है, मैंने ये पावर दे दिया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा इंडिकेटर जो नहीं जल रहा था वो जल गया है, मतलब मेरा जो पावर आना चाहिए था वो पावर आ गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पावर है वो पावर भी चेक करते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे ये वाला पावर। ठीक है दोस्तों, ये 95 दिखा रही है, इसका मतलब मेरा टीवी स्टैंड बाई मोड पे है और स्टैंड बाई मोड ऑन करने के बाद हमारा यहाँ पे 10-15 का वोल्ट आ जाएगा, मतलब मेरा जो टीवी का सिस्टम था वो पावर ओके हो गया है। जो हमारा ESD पे जो हमारा पावर जाना चाहिए था वो देखिए वो फिर 95 का वोल्टेज दिखा रही है। मैं टीवी को ऑन करता हूँ, उसके बाद हम लोग वो पिक्चर देखेंगे और कहाँ कितना वोल्टेज बढ़ा है वो भी चेक कर लेंगे। दोस्तों मैंने जो यहाँ पे पावर इंडिकेटर ऑन नहीं पावर को वो मैं स्टैंड बाई से रिलीज कर लिया हूँ और जो हमारा यहाँ पे 110 वोल्ट होना चाहिए आप लोग देख सकते हैं ये 110 वोल्ट हो गया है। और हमारा जो ESD पे वोल्टेज जाना चाहिए वो भी ठीक है, वोल्टेज आ गया है। और दोस्तों मैं वर्टिकल IC का कुछ वोल्टेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो निकलता है ESD से निकलता है ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज जो हमारा 14 वोल्ट होता है वो हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 वोल्ट है और यहाँ पे माइनस पे वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, और जो और एक वोल्टेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ गया है। सिस्टम चालू होने के लिए जो हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए वो वोल्टेज भी हमारा 5 वोल्ट आ गया है और हमारा EEPROM पे भी हमारा 5 वोल्ट है। मतलब दोस्तों जो हमारा आज का प्रॉब्लम था, जो हमारा टीवी का आज का प्रॉब्लम था, पावर का प्रॉब्लम था, वो हमारा पावर इंडिकेटर नहीं ऑन हो रहा था, इसीलिए हम लोग पावर सेक्शन में ढूंढा और ढूंढने के बाद हम लोगों को पता चला जो हमारा इनपुट जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट नहीं है, उसके पास जो छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रांजिस्टर भी हमारा शॉर्टेज नहीं था और जो हमारा फोटो कपलर से भाया हो के जो ट्रांजिस्टर था वो हमारा तीनों लेग हमारा शॉर्ट हो गया था, इसीलिए हमारा जो आउटपुट सिग्नल जाना चाहिए था वो सिग्नल नहीं जाने के बदले में हमारा पावर नहीं ऑन हो रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का से नया नया वीडियो मिलने के लिए आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।